क्या डर है साले सोनिया सोनिया चट्टा नथ चट्टागिरी का हद हो गया है ये साला दलाल देश को बेच रहा है। हेलो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना ये दोनों दादाजी हैं, पर एक दादा ना पूरा परफेक्ट बोल रहे हैं और ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये दादाजी। इनका कहना बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं भाई। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा फनी भी लग रहा है ये वीडियो। और दूसरी बात ये है कि ये जो दादाजी जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए सही से वीडियो और समझिए क्या बोल रहे हैं ये दादाजी। तो इन्जॉय कीजिए दोस्तों इस वीडियो को देख के और कुछ सीख भी लीजिए। ये साला दलाल देश को बेच रहा है, हिंदू मुसलमान ये वो शर्म नहीं लगता तुम लोग को साले है? देश को गिरवी रख दो साला चट्टा है, प्रधानमंत्री बना है, प्रचार मंत्री भी ऐसा नहीं देखे हैं, गुंडा कहीं का देश को रसातल में ले जाओ साले। 5 वर्ष के लिए एमपी और एमएलए बनेंगे, इधर बहाली करेंगे 4 वर्ष के लिए। कौन स्कूल में पढ़ के आए लोग, कौन स्कूल का डिग्री है तुम लोग करो साला है? औकात में रहा करो, औकात में देश का नौकर हो, मालिक नहीं हो तुम। तुम कुछ देते नहीं हो, जनता का लिया हुआ देते चट्टा नहीं थे। हम दिए कहाँ से दिया रे, बाप घर से दिया है, बाप को फायदा किया कुछ, सब साला देख लिया करते हो है? क्या हो गया, हुई क्या बात, दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम लोग को, दौड़ा दौड़ा के मारेगा पब्लिक। पूछो पब्लिक किसे क्या हाल है, पब्लिक का चुटिया वाला कर ले लेके सोनिया रहलवा प्रियंका पप्पू तुम कहीं कुछ नहीं। क्या गुस्सा रहे इतना, क्या गुस्सा है भैया, देश का हालत देख के बोल रहे हैं, जनता जनार्दन है। ये तो नहीं है नेतागिरी करने से मेरा पेट भरेगा, नेता को भी कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जमीर मर गया नेता कैसा, जिसका जमीर मर गया हो उन नेता कैसा। हमने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में चैलेंज किया था, हिरासत कर सकती हो तो करो, कहाँ की, मैं जेल गया कहाँ प्रमाण, चुप साले एकदम चुप रहो गुंडा। आज देश में बवाल मच रहा, बवाल है साले, एक ही दफा में एक आदमी जेल, एक आदमी पकड़ाता नहीं है, बाहर है सरकार। इन पे क्या गुस्सा रहा है, ये नरेंद्र मोदी से तनख्वाह लेते हैं, 5,000 महीना मिलता है इनको, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली देने के लिए। ये मोदी का यही करिश्मा है। आप कांग्रेसी हैं? हम कहा कांग्रेसी रहेंगे, कांग्रेस का विरोधी हूँ, सब दिल से विरोध किया है, इंदिरा गांधी का विरोध किया, जेल गया हूँ, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में काम किया, नीतीश और ये सुशील मोदी को पारोटी और अंडा बेचते कम्बल बेचते हजारीबाग सेंट्रल जेल में देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी था उसमें। आज साधु और महात्मा बनता है ये लोग सब टट्टा। चुप साला, 30 लाख का बच्चा ऐसा ऐसा 30 लाख बहुत देखे हैं, झूठा झूठा का सरदार लोग तुम लोग साले, झूठ बोलने वाला गुंडा का सरदार लोग तुम लोग साले, चुप चुप साले। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाएंगे, हरिजन को बनाया राष्ट्रपति, और हरिजन को रात में किरासन तेल छीट के जलाने वाला तुम लोग है, तुम लोग है। हिंदू का है, हिंदू का लाश कुत्ता छीना यूपी में, गंगा में बहा। अगर दूसरा का सरकार रहता साला तुम लोग देश में बवाल कर देता है, कुत्ता का लाश छीन रहा था। अगर कोविड का बहुत बढ़िया इंतजाम किया, 35,000 करोड़ का बजट कहाँ गया, देश पूछता है कहाँ गया 35,000 करोड़ का बजट, क्या हुआ। आज एक एक युवा बेरोजगार हो गया, सबको क्या करें, पकौड़ा तल लो, अरे साला पकौड़ा कैसे सद लेंगे, 200 रुपया किलो तेल है बेसी, 230-240 दाल है। चुप साला चुप, चुप साला चुप चुप, मोदी का कुत्ता पैसा लेके भोंकने वाला, बोलो जवाब है तुम्हारे पास, वही जवाब है। क्यों गैस सिलेंडर 1,000-1,100 रुपया क्यों बताओ साले, 30 लाख, अच्छा मुँह ऐसे छुटिया गिरी कर साले मुँह चट्टा न थे सोनिया रहलुआ नेहरू बेचा क्या रे गुंडा, क्या बेचा नेहरू का दिया हुआ सब बेचा, फिर बोला थके नहीं हो तक है, अपनी पत्नी दूसरा देगा, 3 तलाक कानून तुम्हारा क्या हुआ, रड़वा हो क्या हो बोलो, रड़वा हो तुम एकदम चुप साले, अब तुम लोगों का चुप रहने का दिन, देश का रुपया गिरता है, कहा है गुस्सा आ रहा है, इज्जत गिरता है, आप देश विरोधी लग रहे हैं। हम देश विरोधी हैं, अरे देश को ये लोग बेच खाया, 55-45 वर्ष तक ये लोग राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, आरएसएस वाला
और अभी सर्टिफिकेट देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ये लोग सभी यहूदी का जन्मा हुआ, ये जो बोलता है ना इसका सरसंग चलता लग। सुनो, कोई दक्षिण भारतीय छोड़ के आरएसएस का प्रमुख कोई क्यों नहीं हुआ? अरे ब्राह्मण का पट यार, साला बनिया चुप रहो, अरे साला बनिया चुप, अरे बनिया चुप। आरएसएस जो है ब्राह्मण का सिरमौरी है, वहाँ कौन होगा दक्षिण भारत का? एक भी महिला देख लीजिए नहीं। ये 377 जो कहा लिविंग इन रिलेशनशिप कानून हम पढ़ते हैं, इसको ओमिट क्यों किया? इसलिए क्योंकि संघ वाला स्नेहा स्वामी से लेकर के सभी लोग मौज कर सके, कानूनन कोई अपराध नहीं। लिविंग इन रिलेशन मंदिर तो बनाए क्या? मंदिर बना के आप कौन सा त्योप मार लिए? लोग भूखे मर रहा है। राम का नाम लेने से पेट नहीं भरता, राम का काम करने से पेट भरता है। राम का काम कैठो किया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर जाने में कितना 100 रुपये का टिकट लगेगा ये आप बताइए? मंदिर तो विश्वनाथ बाबा के यहाँ सबको ही जाते थे, कल भी जाते थे और आज भी जाते हैं। आज वाले को पूछिए कि क्या भाव है काशी विश्वनाथ, कैसा लगता है? अरे हिंदू है सम्राट, हिंदू हिंदू बोलने से नहीं होगा। अरे हिंदू कोई जात नहीं है, कहीं भी है। नरेंद्र मोदी हाय कौन रे कुंडा, नरेंद्र मोदी हाय कौन, नौकर है नौकर रहो, मालिक के तरह बात मत करो। अब मालिक के सामने चिल्लाओ नहीं, अदब से रहो। जनता जनार्दन है, हम तुम्हारा जो भी है सब नौकर है हमारा, चाहे आईपीएस अफसर रहे। हाँ समझे ना, 370 भी तो हटा दिया। अच्छा काम, 370 कहाँ हटाए? कश्मीर में कौन का दिया? कागज में हट गया। इट वॉज डन ओनली ऑन पेपर, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं हम। अगर हाँ मोदी सरकार में कुबत तो हमको बताए और बुझा दे। यहाँ 370 खत्म, आज 370 खत्म हो गया। संथाल बनाम जैसे हम जमीन खरीद सकते हैं, वैसे कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं ना। अगर 370 खत्म हो गया तो जैसे संथाल परिणाम कोई जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी हम जाके रह सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहाँ के लड़की शादी कर सकते हैं, घर बसा सकते हैं। कश्मीरी पंडित आज तक बसिया गया, मोदी आया था इसी नाम पर कश्मीरी पंडित को बहाल करेंगे। मोदी के पूर्वज के राज में कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर। हिंदू को कुछ परसेंट लोग डरवा रहा है, कुछ परसेंट हिंदू तथाकथित भक्त, रियली वो लोग तथाकथित भक्त हैं जो रामायण का एक चौपाई नहीं जानता, जो हनुमान चालीसा नहीं जानता, वो कैसा हिंदू भक्त और कैसा हिंदू नेता? जो नमामि स्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस रूपम, योगी जी कैसा योगी? ये कैसा जोगी जो एक मंत्र नहीं जानता हो, अध्यात्म का कुछ ज्ञान ही नहीं हो। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ माने घटिया नीचे स्तर से नीचे से सर्वश्रेष्ठ नेता है ये हमारे बगल पड़ोसी देश इमरान खान, उससे भी गए गुजरे हैं। इतना डरा हुआ और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा, देश ने नहीं देखा था, आज देख लिया। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, फाइनली आपने वीडियो देख ही लिया होगा, और कैसा लगा होगा कमेंट में बताएं। और हाँ, ये मेरा वीडियो नहीं है, दूसरे का वीडियो है, लेकिन फनी था इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा मैं भी शामिल हो जाऊं और अपने इसमें डाल दूं। तो देखे आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा।